माड़ी तू कीती बेहिसाब। यहाँ आगे को कोई घूमने की जगह है? घूमने की जगह हाँ, पूरे जंगल में पंथा है। कहाँ से वो घूमने की जगह रास्ता? ये यहाँ पे जो कट, ये कट वाला तो पानी पीता नारियल। कितने का है? और भाई को अपना चैनल भी बता दिया है, तो अब भाई देखेगा। एक दो जगह तो उसने बताई, तो आप वहां जाके देखेंगे कि कैसा है क्या है करके। ठोडी ते काला दिल जो पौंदा सी बात कुड़े, कखां दा करता नहीं तू मंगदा सी साथ कुड़े। और गर्मी से हमारा गला सूख गया है, तो हम पियेंगे नारियल पानी। अभी तो मैं अकेले आया हूँ, तो फिर अकेले तो काफी बोर्ड है, वो जा रहा हूँ खुद से ही बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। पर ब्लॉग भी बनाना है तो बोलना है, जैसे भाई था तो उसके साथ हमारी बातें हो रही थी तो सही लग रहा था। शायद मुझे भाई को लिफ्ट देनी होगी, तभी मैं वहाँ से घूम फिर के सीधे रोड पे पहुँच गया। और भाई भी खड़ा था, भाई को भी ज़रूरत थी शायद, तो उतनी दूर पैदल आना पड़ता। वैसे मैं कम ही लोगों को अपने को, कार में तो मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता, बाइक में मैं जैसे अंकल लोग होते हैं बुढ़े बुढ़े जैसे, उनको लिफ्ट दे देता हूँ। और वैसे मैं कम ही लोगों को लिफ्ट देता हूँ, पर अभी धूप सी थी, भाई ने बैग टांगा था, स्टूडेंट था, तो मैंने दे दिया लिफ्ट। मेरे को थोड़ा अपना टाइम भी याद आ रहा था। वैसे मैं ज़्यादा लोगों को देता नहीं हूँ लिफ्ट। और भाई वो पीछे वहाँ कहीं गांव में रहता होगा, यहाँ जहाँ हम धनुष पुल वाले एरिया पे गए थे, जो पुल पानी आता है वहाँ उसी साइड गांव में होगा। जंगल की हाल देखो, पूरे सूख गए हैं, कितनी गर्मी हो रही है। ये कौन सा रास्ता है? अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं ऐसे सामान लेके? कौन कौन सी जगह है, मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ कौन सी जगह है? लोग दिख तो रहे दूर दूर से, ये लड़के लोगों से पूछूं। यहाँ आगे को कोई घूमने की जगह है? घूमने की जगह हाँ, पूरे जंगल में पंथा है। क्या? पूरे जंगल में गोल में पंथा गोट है। हाँ, उसमें क्या है, पानी है क्या है? उसमें क्या है घूमने जैसा? वो मच्छी देख रहे, मच्छी होती ना बहुत, मछलियाँ। पीछे लिखा है बाइक के, रिवील द रियल। घूमता हूँ, स्टंट करके भी छोटे छोटे बच्चे भी स्टंट करते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते, तभी नहीं दिखाता हूँ ब्लॉग में। वहाँ गए तो है लोग शायद आगे को। तो भाई सर्च करेगा कहाँ से वो घूमने की जगह रास्ता। ये यहाँ पे जो कट, ये कट वाला कितनी दूर है? बस थोड़ा ही है, ये पत्थर दिख रहे हैं? हाँ, मतलब रास्ता रहेगा, एक ऊपर को जाएगा और एक इधर को उठेगा, एक सीधा जाएगा उसमें मत जाना, जो ऊपर जाएगा वो रास्ता है मेन गांव पे घुसने का। पूरा गांव मतलब वहाँ लाइट बिजली कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ मतलब गांव है, एक बसा हुआ पत्थर रोड नाम है। अच्छा, मजा ही आ जाएगा अगर आप वहाँ गए तो एक बार। और इस तरफ नदी है, वो इसी नदी में ऐसे से लंबी नदी है, बहुत बहुत गहरी भी है। हाँ, हुड्डी जगह पता है? हुड्डी, हुड्डी यही तो है, हुड्डी जैसा ही है। फिर हुड्डी जैसा ही है या अलग है उससे? तुम लोग कहाँ के हो? हम पंथा के थे। वहीं के हो? मैं जगह ढूंढ रहा हूँ ना, मैंने सारी जगह देख दी है, तो फिर अभी कोई जगह बची है तो वो ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? घूमने के लिए, दिखाने के लिए ब्लॉग में। हुड्डी ढूंढ लो फिर, हुड्डी वो है। हुड्डी में तो मैं गया, उस तरफ से गया था मैं, वहाँ से आगे से। हाँ, वहाँ से रास्ता है घूमने की जगह, बनबसा पुल चले जाओ। वहाँ सब दिखा दिया ना मैंने। अच्छा, तभी वो बाइक में दो अंकल जा रहे थे, तभी मैं सोचा कि यहाँ को कोई जगह है करके। हाँ, वो देखो आप जा रहे हैं, जगह तो है, मतलब वहाँ से जाते रहो, एक सीधा जाएगा, इधर को जाएगा, वहाँ मुड़ना है, वहाँ पानी सा है, गोल सा कुछ। हाँ,
पानी ना पूरा गांव में, गांव में गुजर गया आपको स्कूल मिलेगा जिस घर पे बिजली बिजली कुछ भी नहीं है, मतलब स्कूल है, इन्वर्टर लग रखे हैं, मतलब ये सौर ऊर्जा से चलने वाले। अच्छा वो कहाँ गया? चले फिर हम लेट हो रहे हैं, हमें तो भैया भाई बोल रहे कि लेट हो रहा है जा रहे, और उसने बताया वहाँ घूमने की जगह है, यहाँ मछलियाँ आती है कह रहा था, मछलियाँ देख रहे हैं तो जाएंगे वहाँ भी एक बार। ये देखो भाई लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुझसे स्टंट कर ले, तो मैंने कहा अबे स्टंट में तो तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे तो देखते हो तो और उलटपटांग हरकतें करते हो, फिर रोड अनसेफ्टी हो जाती है बहुत। और अगर भाई ने स्टंट की बात करी दी है तो मैं बता दूँ स्टंट पे मुझे बहुत कम चीज़ें आती, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें आती है, स्टॉपी और व्हीली मारता हूँ मैं, खाली रोलिंग व्हीली नहीं सिर्फ व्हीली, सिंपल सी और स्टॉपी और थोड़े बहुत बर्न आउट। अगर मेरे पास पुरानी वीडियोस नहीं है, नहीं तो मैं कॉलेज टाइम पे बहुत स्टॉपी मारता था, थोड़ी व्हीली वगैरह करता था, बर्न आउट करता था, रोलिंग बर्न आउट, तो उस तब मैं वीडियो बनाता था। अभी तो मैंने वीडियो है भी नहीं मेरे पास, और आज कब से मैंने बनाया भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बचपना होता है तो ऐसी उठपटांग चीज़ें जो हम साइकिल में करते थे वो बाइक से करने की ट्राई करते हैं, मेरे पास अभी है नहीं कोई वीडियो, नहीं तो मैं बीच में दिखा देता। अब जाते हैं वापस, एक दो जगह फिर भी हमें पता चल गई है, हम कल परसों जब भी आएंगे सुबह ट्राई करेंगे जाने की, और थोड़ी सेफ्टी के साथ देखेंगे। अब जंगल का एरिया तो देखना पड़ेगा, और पहली बार जा रहे हैं कैसा है क्या है वहाँ देखना पड़ेगा। और ये देखो मैक्सटन स्कूल, तो अब गाइस जाते हैं नारियल पानी पीने, नारियल पानी वाला तो बोतल लेके जा रहा है, उसको मैंने इशारा कर दिया है तो पानी पीता है नारियल। एक लगा दे पानी वाला। हाँ तो गाइस देखो गर्मियों में पीना बहुत ज़रूरी है नारियल पानी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। जो भी बनबसा से खट्टी माको आएगा यहाँ पे भैया का है ये नारियल पानी वाला है, रुक के ज़रूर पीना, मैक्सटन स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में, और ये बहुत टाइम तक रहता है। गन्ने का जूस और नारियल पानी तो पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई से बोल दिया, भाई बना रहे, काफ़ी गर्म हो गया, इंडिकेटर बंद करना भूल जाता हूँ मैं कार में, ऑटोमेटिक होता है तो सीट भी काफ़ी गर्म हो गई, बाइक भी काफ़ी गर्म हो गई है, पर रेडिएटर है तो उस वजह से ठंडी रहती। कितने का है? 60। ए भाई पकड़ में। तो भाई नारियल पानी पीता हूँ। ठंडे वाले नहीं रखते हो क्या? गर्म है, गर्म है ना थोड़ा, मतलब ये थोड़ा उनसे ठंडा है। यहीं पे रख दूंगा ना ये, यहीं पे ये यहीं पे रख के चले जाऊंगा। तो गाइस नारियल पानी भी हमने पी दिया है, तो फिर अब जाते हैं यहाँ से, और भाई ने 60 रुपये का दिया, 60 रुपये का तो थोड़ा महंगा ही है, 60 रुपये का यहीं 60 रुपये का है। और मैं गोवा गया था जब, तो गोवा में भी 50-60 रुपये का मिलता है, मतलब गोवा में बहुत महंगा देता है, मुझे उल्लू बना दिया पता नहीं जो भी था, पर वहाँ भी 60 रुपये का बोल रहे थे, और पीछे से गाड़ियाँ नहीं आ रही है। अरे भाई लोग यहाँ मिल गए, इतनी जल्दी पहुँच गए यहाँ, बाय कर रहे हैं, अच्छा लगता है ऐसे मिल के भाइयों से। और ये नारियल वाले अंकल यहाँ भी लगा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं आए तो वहाँ रुका, रुक अगली बार आएगा कभी यहाँ तो तुझे 70 का लगाऊंगा, ऐसा मन में सोच रहे होंगे। और मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं ये भी सोच लेता हूँ आगे वाला क्या सोच रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब मैं गोवा गया था तो वहाँ मुझे भी 50-60 रुपये का, कहीं 50 का दे दिया था, नहीं तो 60 का ही था, और शायद गोवा में तो महंगा ही है। और कौन से बीच पे गया था मैं, कांडोलिम बीच पे, या तो मुझे उनने उल्लू बना दिया, या वहाँ शायद बीच पे महंगा ही देते हैं, या लोकल वालों को ही सस्ता देते हैं। वहाँ से यहाँ
इतनी सर्विस पड़ जाती होगी, इतना कॉस्ट पड़ जाता होगा ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का, फिर भी 60 रुपये का मिल रहा है। मतलब वहाँ तो वैसे सस्ता ही मिलता होगा। और गन्ने का जूस और नारियल पानी, दो चीज़ें गर्मी में पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी भी पी सकते हो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कभी चलती है, रोज़ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उससे। और आजकल तो कोला से किडनियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, लीवर में भी। और उसमें शुगर डालते हैं तो शुगर की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती है, सबको पता ही है। कितना एक बॉडी में अचानक से इतना शुगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। और आगे मेला जा रहा है, शायद पूरा जाम लगा हुआ है। पीछे से कोई आ तो नहीं रहा? पीछे से कोई नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छा डीजे चल रहा है, हम तो यहाँ डांस भी नहीं कर सकते, ये डांस करो। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से भीड़ से। जय हो भगवान जी। वहाँ पे जाम था तो मैं इस साइड से आ गया, यहाँ से आंटी आ रही है, आंटी से पहले ही साइड हो जाता हूँ। स्कूटी में जो भी आता है पापा की परी, उनसे पहले किनारे हो जाऊँ। ये मैं चिढ़ा नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ। आगे से भी गाड़ी आ रही है तो मैं यहाँ साइड ही हो जाता हूँ, क्योंकि रॉन्ग तो मैं खुद ही आया ना। तो गाइस अब रोड भी मैंने क्रॉस कर दी है। कौन सीढ़ी बजा रहे हैं, मैं देख, ट्रैफिक पुलिस था वो। तो गाइस अब घर को जाता हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। दिस इज रिवील द रियल। ओके बाय, टेक केयर, और वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय गाइस।